विज्ञान और ईश्वर, इन दोनों के बीच कोई आपसी टकराव नहीं है। दोनों अपने अपने यथास्थान पर स्थित है और वास्तव में विज्ञान और ईश्वर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन विषय के तौर पर दोनों भिन्न है। विज्ञान प्रमाणभूत आधारों पर मिलने वाले वास्तविक ज्ञान का संग्रह है, तो ईश्वर अध्यात्म, धर्मशास्त्र और आस्था का विषय है। अब विज्ञान द्वारा ईश्वर का अस्तित्व साबित न होने के कारण ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये सोच रखना भी गलत है, क्योंकि विज्ञान खुले मन का विषय है। उसमें जिसका अस्तित्व आज नहीं है वो शायद कल प्रमाण मिलने से स्वीकृत हो जाए, और कई चीजें ऐसी होती है जिसका प्रमाण न मिलने के कारण भी हमें उसके अस्तित्व का आभास होता है। आज वो ही कुछ वैज्ञानिक प्रश्न और तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनकी आज तक कोई साबिती नहीं मिली है। विज्ञान की उलझल का एक प्रश्न ये है कि अगर हम हाई स्पीड में कोई कार चला रहे हैं और स्पीड ब्रेकर के कारण उसे धीमा कर देते हैं, अब हमें फिर से अगर अपनी कार पहले जैसी स्पीड पे चलानी हो तो एक्सीलरेटर दबाना होगा, क्योंकि एक्सीलरेटर हमारी कार को फिर से गति प्रदान करेगा और इसलिए एक्सीलरेटर से हमें ऊर्जा का सप्लाई बढ़ाना होगा। अब आप कार की तुलना प्रकाश के फोटोन कणों के साथ करो। प्रकाश के ये कण शून्य अवकाश में 300,000 प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करते हैं, लेकिन किसी पारदर्शक कांच की चीज में ये फोटोन के कण जैसे ही एंटर होते हैं उनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। मान लो कि वो पारदर्शक कांच स्पीड ब्रेकर है और फोटोन के कणों की गति वहां पर घटके 240,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, लेकिन फोटोन के कण जैसे ही उस पारदर्शक ग्लास के बाहर आते हैं वे अपनी पुरानी रफ्तार 300,000 किलोमीटर पर सेकंड को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। और आज तक हमें ये पता नहीं चला है कि उसकी गति को बढ़ाने वाला एक्सीलरेटर क्या है और फोटोन के कणों को फिर से स्पीड अप करने वाली वो ऊर्जा कौन सी है जो इन्हें फिर से गति प्रदान करती है। विज्ञान को जानने वाले किसी भी इंसान के दिमाग में कीड़े की तरह घूमने वाला एक सवाल ये भी है कि थर्मोडायनामिक के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का किसी भी तरह सर्जन करना असंभव है और ऊर्जा का नाश भी नहीं किया जा सकता। हमारे ब्रह्मांड में एनर्जी स्टैटिक है और ये सिद्धांत अड़ग है, इसलिए अब जवाब हमें इस प्रश्न का चाहिए कि ब्रह्मांड में आखिर इतनी स्पेसिफिक ऊर्जा आई कहां से, और ये सिद्धांत सब पे लागू होता है तो फिर हमारे इस ब्रह्मांड को ऊर्जा से भर देने वाली वो लौकिक शक्ति कौन सी है, या फिर क्या वो शक्ति लौकिक नहीं अपितु अलौकिक है। हमें कंफ्यूज करने वाला तीसरा सवाल ये है कि हमारे ब्रह्मांड के मुख्य चार परिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। इन चारों के अलावा ब्रह्मांड की कल्पना करना असंभव है, और मजे की बात यह है कि ये चारों फोर्स ब्रह्मांड के जन्म के लाखों सालों बाद उत्पन्न हुए, और आज ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया इन चारों फोर्स के मुताबिक होती है। फोर्स का ये नियम परफेक्ट है और उसमें जरा भी ऊंच या नीच होने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए प्रश्न ये होता है कि इस चारों के अभाव के बीच कथित बिग बैंग का जन्म कैसे हुआ। भौतिक विज्ञान को झंझोड़ने वाला एक सवाल ये भी है कि हमारी बहुमान्य थियोरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ है और उसके पहले सिंगुलरिटी की अवस्था थी, मतलब के शून्य अवस्था थी, और दूसरी तरफ ये भी है कि किसी भी क्रिया का कारण होना चाहिए, किसी भी कॉज के बिना कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकती। सिर्फ उतना ही नहीं, वो कारण भौतिक नियमों के अनुरूप होना चाहिए। अब सिंगुलरिटी के सामने भौतिक विज्ञान के सभी नियम निस्तनाबूत हो जाते हैं, इसलिए संभावित कारण मौजूद होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर शून्य की या कुछ भी ना होने की अवस्था अरबों आकाशगंगा वाले इस ब्रह्मांड में कैसे रूपांतरित हुई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और ऐसे लाखों प्रश्न है जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे कोई ना कोई संभावित कारण तो रहा ही होगा। विज्ञान के पास इनके कोई जवाब नहीं है और विज्ञान इनके जवाब खोजने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि विज्ञान जानता है कि ये जवाब उसे कभी नहीं मिलने वाले। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या वैज्ञानिक ईश्वर में यकीन करते हैं? तो जवाब है हाँ। भौतिक शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान अल्बर्ट आइंस्टाइन ईश्वर में मानते थे, और उनकी जनरल और स्पेशल दोनों थियरीज में गॉड डजंट प्ले डिश जैसे कई ईश्वरवाची शब्दों को प्रयोग करके उन्होंने ईश्वर की मौजूदगी को भी स्वीकारा है। अणु फंक्शनलिटी को सचोट रूप से जिन्होंने अस्तित्व समझाया वो भौतिक शास्त्री नील्स बोहर भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने वाले वैज्ञानिक थे।
पॉल्स डेविस नाम के महान भौतिक शास्त्री ने तो ब्रह्मांड को भगवान के सर्जन के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने द माइंड ऑफ गॉड नाम की पुस्तक भी लिखी। वैज्ञानिक कार्ल सेगा ने तो द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा नाम की बेस्ट सेलर बुक भी लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूरा आलेखन किया है। ईश्वर में मानने वाले वैज्ञानिकों में सबसे नोधनीय उदाहरण रॉबर्ट ओपनहाइमर का है। रॉबर्ट सर्वप्रथम अणुबम बनाने वाले अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के सूत्रधार थे और अणुबम के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट ने उसी जगह पर भगवद गीता के दो श्लोक उच्चारे। अब वैज्ञानिक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उसका आखिरी खुलासा। हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल के खोजक और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में अभ्यास करने वाले विश्व भर के आधुनिक वैज्ञानिकों का जहां काफिला जमा हुआ है, वो स्थान स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास पार्टिकल एक्सेलरेटर के नाम से मशहूर है, जिसे सैन भी कहा जाता है। इस सैन नाम की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में उसके एंट्रेंस में ही उन्होंने सिंबॉलिक रूप में भगवान नटराज की लगभग 2 मीटर से भी ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया है। इन आधारों पर अब हमने देखा कि विश्व को अपना सबसे बड़ा योगदान देने वाले बड़े वैज्ञानिक ईश्वर में यकीन करते थे और विज्ञान की थियोरीज को समझने के बाद भी यह प्रतीत होता है कि इन सब सृजन का कोई सृजनहार तो होगा ही। हो सकता है कि ईश्वर हम जिस अवस्था में मानते हैं उस अवस्था में ना हो, हो सकता है कि वो निराकार हो सकता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी हो या ब्रह्मांड की अपार शक्ति हो। हम सोच भी नहीं सकते उस रूप में उसका अस्तित्व हो सकता है। इसलिए ईश्वर विज्ञान से अलग नहीं है और विज्ञान ईश्वर से। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु एक दूसरे की पूरक है। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और सदा खुश रहे। टेक केयर।